उष्मा या हीट का कुछ अद्भुत प्रयोग हम लोग एकदम साधारण सामग्री से कर सके नहीं जा। अब हीट या उष्मा का कंडक्शन समझे खातिर अपने के को लकड़ा का टुकड़ा लगी, हैक्सॉ ब्लेड लगी, मोमबत्ती और कुछ खिल्ला लगी है। सबसे पहले हैक्सॉ ब्लेड लेके एगो लकड़ा के छोर पे लगा ले, आप लोग देख सकें जा कितने ऐसन कई लेके बाद हैक्सॉ ब्लेड के दूसरे तरफ जलत भरी मोमबत्ती का बूंद गिरा के ऊपर खिल्ला उल्टा लगा ले। ये खिल्ला मोची वाला खिल्ला है, बड़ मुंह वाला। यही तरह आप लोग पांच को खिल्ला लगा लें, आप लोग देख सके नीचे कितने। अब हैक्सॉ ब्लेड के असेंबली के उल्टा कर लें और आप लोग देख सके नीचे कि अपन खिल्ला उल्टा लटकता हुआ। अब एगो जलत भरी मोमबत्ती लेके हैक्सॉ ब्लेड के दूसर हिल लटकल भरी छोर के नीचे लगा लें, आप लोग देख सके नीचे कितने। अब धीरे धीरे आप लोग देख सके नीचे कि जित तरह अपन हैक्सॉ ब्लेड गर्म होला, सबसे पहला वाला खिल्ला गिर जाएगा। अब तनी और देर रुकें तो आप लोग देख सकें जा कि उष्मा या हीट धीरे धीरे हेक्सा प्लेट में आगे बढ़त जाएला और दूसर का खिल्ला भी गिर जाएला। यही तरह तनी देर रुकने के बाद आप लोग देख सकें जा कि फिर तीसरा खिल्ला गिर जाएला और कुछ देर के बाद फिर चौथा खिल्ला भी गिर जाएला। कहें कि उष्मा के आगे जाए में तनी सा वक्त लगेला। अब पाँचवा खिल्ला शायद कुछ वक्त ले, 5 से 10 मिनट भी ले सकेला गिरले खातिर। कहें कि उष्मा के मेटल या ब्लेड में आगे जाए खातिर तनी समय लगेला, लेकिन जैसे ही वो गर्म हो जाएगा पांचवा खिल्ला भी नीचे गिर जाएगा। आप लोग धातु के कोनो भी पट्टी के साथ ही प्रयोग कर सके नहीं जा। बच्चन के आप लोग ये प्रयोग बहुत ही अच्छा से सिखा सके नहीं जा और लोग एक मजा भी लिया।